नामकरण पर भी जरा लोग ध्यान दे दें और बिहार की जनता किस नज़रों से उन्हें देखती है। राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के रूप में, चूँकि हमेशा समाज में जहर घोलने का काम किए, राज्य में जहर घोलने का काम किए, जाति संप्रदाय और धर्म को लेकर के हमेशा समाज में जहर बोने का काम किया। तो इन तमाम अवधियों में इन लोगों ने अपने आचरण का पूरा परिचय दे दिया है कि ये राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के लोग। अच्छा, लालू जी को पद्मश्री देने की बात हो रही है, भारत रत्न देने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है मिलना चाहिए? रामविलास पासवान जी को मिला, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला, तो लालू जी उससे क्यों आपत्ति? देखिए, दरअसल लालू जी तो अनमोल रत्न है। कभी चारा घोटाले में जेल जाने का काम किया, कभी ईडी सीबीआई आईटी के कई मामले जो चल रहे हैं उसको लेकर के हमेशा न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, जेल का चक्कर लगा रहे हैं। ये उनकी पहचान बन गई है और बिहार और देश की जनता इसी रूप में लालू जी को जानती है। ये रत्न है परिवारवाद के, ये रत्न है वंशवाद के, ये रत्न है चारा घोटाले के, ये रत्न है ईडी सीबीआई आईटी के। भयभीत बिहार को निर्भय बिहार बनाने का काम किया, जहां 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और इस सुशासन की सरकार में रात भर बेखौफ लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप स्टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना में जदयू के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। कई सारे सवाल है, चूंकि सत्ताधारी दल है, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं 2025 की जो लड़ाई है उसके पहले का ये जो टेस्ट है इसको लेकर जदयू काफ़ी गंभीर है, कैसी तैयारी? बिल्कुल अच्छी तैयारी है, 2025 की के विधानसभा के चुनाव की तैयारी अच्छी है। एनडीए साथ मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ेगा। और बाकी जो अभी उपचुनाव जो हो रहे हैं 4 सीटों पर, चारों सीटों पर बिहार में एनडीए के उम्मीदवार हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। चूंकि जनता के दिलों में नीतीश कुमार है और एनडीए ने साथ मिलकर लंबे समय तक बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, इसको लेकर के बिहार की जनता के दिलों में नीतीश कुमार बसे हैं और नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। हिमराज राम जी, एक बड़ा सवाल है, शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ, आपके नेता नीतीश जी की अगुवाई में सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया, जहरीली शराब कांड हो गया, सरकार को जो करना है कर रही है, लेकिन जो आपकी विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उसके प्रवक्ताओं ने, उसके नेताओं ने जिस तरह से आपके पार्टी का नामकरण किया है उस पर क्या बोलेंगे? अब तो जरा अपनी पार्टी के नामकरण पर भी जरा लोग ध्यान दे दें और बिहार की जनता किस नज़रों से उन्हें देखती है कि राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के रूप में, चूंकि हमेशा समाज में जहर घोलने का काम किए, राज्य में जहर घोलने का काम किए, जाति संप्रदाय और धर्म को लेकर के हमेशा समाज में जहर बोने का काम किए, और जो मौका मिला 15 साल सरकार चलाने का, और इधर हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला, तो इन तमाम अवधियों में इन लोगों ने अपने आचरण का पूरा परिचय दे दिया है कि ये राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के लोग हैं। अच्छा, लालू जी को पद्मश्री देने की बात हो रही है, भारत रत्न देने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है मिलना चाहिए? रामविलास पासवान जी को मिला, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला, तो लालू जी उससे क्यों आपत्ति? देखिए, दरअसल लालू जी तो अनमोल रत्न है। अनमोल रत्न इस मामले में है कि चूंकि उनके कारनामों को लेकर और उनके जो आचरण रहे हैं उनको लेकर के, कभी चारा घोटाले में जेल जाने का काम किया, कभी ईडी सीबीआई आईटी के कई मामले जो चल रहे हैं उसको लेकर के हमेशा न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, जेल का चक्कर लगा रहे हैं। ये उनकी पहचान बन गई है और बिहार और देश की जनता इसी रूप में लालू जी को जानती है। ये रत्न है परिवारवाद के, ये रत्न है वंशवाद के, ये रत्न है चारा घोटाले के, ये रत्न है ईडी सीबीआई आईटी के, ये क्या काफ़ी है? अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर आखिरी सवाल आपसे कि 2025 फिर से नीतीश, क्यों क्यों आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहें? दरअसल जो सुशासन की सरकार चल रही है, 2005 से पहले जो हालात बिहार के बने थे,
जो बिहार से बाहर बिहार को लोग जिस नज़रों से निगाहों से देखते थे वो नज़रिया बदल गया है। चूँकि जिस बीमारू बिहार को लोग बाहर में बिहार के लोग अगर मिलते तो उनको अपमानित नज़रों से देखा करते थे। वो नरसंहार वाला बिहार था, सांप्रदायिक दंगे वाला बिहार था। शाम के 5 बजे के बाद लोग घर में दुबक जाते थे, इस रूप में पहचान थी बिहार की। उस तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार जी ने बदलने का काम किया, बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला। जहां बिहार में अमन चैन शांति सद्भाव भाईचारा ख़त्म हो गया था उसको बहाल करने का काम किया और भयभीत बिहार को निर्भय बिहार बनाने का काम किया। जहां 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और इस सुशासन की सरकार में रात भर बेखौफ लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, रात में भी खर्राटे भर के गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहती है और कहीं किसी का डर भय नहीं, सब लोग बेखौफ एक दूसरे शहर में जाते हैं। हमारी घर की महिलाएं बहू बेटियां भी रात बिरात भी अगर अपनी नौकरी से अपनी ड्यूटी करके लौटती है तो निर्भय होकर के निर्भीक होकर लौटती है, बेखौफ होकर लौटती है, कहीं कोई डर भय नहीं है। यह है हिमराज राम जी और इनका मानना है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विकास पर चर्चा नहीं करना चाहती है और इन मुद्दों को बिहार की जनता को नहीं बताना चाहती कि नीतीश कुमार जी के शासन से पहले बिहार में क्या होता था। फिलहाल बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और सियासी जंग जारी है। ऐसे ही कई तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य प्रवक्ता से, किसी अन्य नेता से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।